नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्वादिष्ट सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी कटोरी सूजी। उसके बाद इसी कटोरी के नाप से एक कटोरी दूध लेंगे। सूजी और दूध की मात्रा सेम रहेगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए बैटर को ढक कर रख दें, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम लेंगे लगभग आधी कटोरी चीनी और जितनी चीनी ली है उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे। आधी कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी ले लें। अब इसको अच्छे से घुमाते हुए चीनी को मिक्स कर लेंगे। साथ ही अगर आप चाहें तो कुछ केसर के धागे भी इसमें डाल सकते हैं, इससे हलवे का स्वाद और रंग अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके उबलने का वेट करेंगे। हमें बिना तार वाली चाशनी बनानी है। जैसे ये उबलने लगे तो गैस को ऑफ कर दें। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कुछ बादाम। जैसे ही बादाम हल्के से फ्राई हो जाएं, फिर इसमें डालें थोड़े काजू और थोड़े सूखे हुए नारियल के स्लाइसेस। इन सबको हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर इसमें किशमिश डाल के और 10 से 15 सेकंड फ्राई कर लें और फिर गैस ऑफ करके इनको निकाल लेंगे। अब इसमें आधी छोटी कटोरी घी डालेंगे। फिर जो हमने सूजी दूध में भिगो कर रखी थी वो भी इसमें डाल लें। गैस को अभी ऑन नहीं करेंगे। पहले हम इस बैटर को अच्छे से घी के साथ मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और ऐसे इसको भूंज लें बिल्कुल धीमी आंच में। हम इसको 4 से 5 मिनट के भूंज लेंगे, जब तक घी इसमें अलग ना होने लग जाए। 10 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें चाशनी को डाल लेंगे। चाशनी को आप गरम करके इसमें डालें और गैस को हल्का तेज करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर इसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें रोस्ट किए हुए काजू बादाम डाल दें और साथ ही इलायची पाउडर भी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा देसी घी का सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ऐसी और भी स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।